Hi student, this is Aprachi Miss and today we will start subject English, unit 4, poem number 30, A Book Speaks. Okay, so let's see what is given in this poem. First I read, hold the poem. When you drop me on the floor, I get step on, my sides are sore. Torn out pages make me groan, I feel dizzy if I am thrown. Every mark and every stain on my covers give me pain. Please don't bend me, if you do, I don't want to talk to you. But we will both be friends together if you protect me from the weather. And keep me clean so that I look a tidy, neat and a happy book. Okay students, so in this poem they give which a book talk about its feeling. Okay, ये जो book है उसकी जो भी feeling है ना वो हमसे share कर रहा है. So how the way he share is failing. So let's see one by one stanza. Okay, when you drop me on the floor, I get step on, my sides are sore. Means what book said to us कि जब तुम मुझे नीचे फेंक देते हो, फ्लोर पे फेंक देते हो, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है. एंड माई साइड्स आर सोर, मीन्स जो मेरे साइड्स है वो क्या हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं. ओके, सोर का मीनिंग क्या होता है कि अगर उसे मतलब आप कुछ टच करोगे, अगर आपको कहाँ पे लगा होगा आप वहाँ पे टच करोगे तो आपको पेन होता है ना. सो सोर मीन्स वो हर्ट हो जाता है. ओके, उसके जो साइड से वो बेंड हो जाते हैं, उसे तकलीफ होती है. ओके, टर्न आउट पेजेस मेक मी ग्रोन, आई फील डिजी इफ आई एम थ्रोन. ओके, टर्न आउट पेजेस मीन्स टर्न आउट मीन्स पेज फाड़ना, जब तुम मेरे पेज फाड़ते हो, बुक बोलता है. ओके, जब तुम मेरे पेजेस फाड़ते हो, सो मेक मी ग्रोन. ग्रोन मीन्स मेक अ साउंड दैट शोज पेन, मीन्स अनहैप्पीनेस, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, अनहैप्पीनेस वो फील करता है. ओके, जब उसके पेजेस फाड़े जाते हैं. आई फील डिजी इफ आई एम थ्रोन, और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. डिजी मीन्स बुरा लगना, जब मुझे थ्रोन मीन्स फेंक देते हो, जब तुम मुझे फेंक देते हो तभी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. Every mark and every stain on my covers give me pain. Okay, so book का जो cover page है ना, बहुत सारे बच्चे देखो वहाँ पर mark करते हैं कुछ ना कुछ, पेन से, पेंसिल से. और every stain, stain means कोई भी दाग लगना, या कलर का दाग हो, या फिर किसी का कोई भी चीज़ का दाग उसको बुक को लग जाए तो वो बुक क्या बोल रही है, on covers gives me pain. उसे अगर कवर पे अगर किसी ने दाग लगाया, मार्क लगाया कोई भी, तो उसे पेन होता है. ओके, मार्क मतलब ज़्यादा वो रफ, मतलब ज़्यादा ये करना, पेन से बहुत ज़्यादा कलर कर देना, उसे मार्क. ओके, टिक मार्क करोगे तो चलेगा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप टिप मार्क करके रखोगे तो ठीक है, लेकिन आप उसके ऊपर कोई भी मार्क बनाओगे, कोई भी डिज़ाइन बनाओगे तो वो सही नहीं है. ओके, Please don't bend me, if you do, I don't want to talk to you. Please don't bend me, मतलब मुझे मोड़ो मत, बेंड मत करो. If you do, I don't want to talk to you. जब तुम मुझे बेंड करोगे तभी मुझे तुम्हारे साथ बातें करनी नहीं है, फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ऐसे वो बुक हमें बोल रही है. ओके, बट वी विल बोथ बी फ्रेंड्स टुगेदर इफ़ यू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द वेदर. बट अगर तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहते हो तो तुम्हें मुझे क्या करना है, यू हैव टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द वेदर. आपको मुझे जो वेदर है, जैसे कि बारिश के टाइम पे हमारे जो बुक्स है वो गीले हो जाते हैं ना, अगर उन्हें प्रॉपरली हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, अगर उनको प्रॉपरली रखा नहीं तो वो गीले हो जाएंगे. इसीलिए वो क्या बोल रहा है, We will both be a friend together. अगर आपको आप चाहते हो कि हम दोनों friends रहे, so you have to protect me from the weather, okay? And keep me clean so that I look a tidy, neat and a happy book. और वो क्या बोल रहा है, keep me clean, मुझे clean रखो, so मैं कैसे दिखूँगा, मैं tidy, neat and a happy book, मैं साफ स्वच्छ और बहुत ही खुश book लगूँगा. Okay students? सो ये बुक ने अपने बारे में बोला है, उसके जो भी फीलिंग्स है ही शेयर इज फीलिंग विद अस. ओके, सो हाउ नाइसली ही शेयर हिज फीलिंग. ओके, सो एवरीवन रीड दिस पोएम 2 to 3 टाइम्स. ओके, थैंक यू.